Hi everyone, this is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं बताऊंगी आपको कि कंपनी में टाइप ऑफ कैपिटल कितने टाइप की होती है. ठीक है, लोगों को जो है बच्चों को यही नहीं पता होता है कि कैपिटल का जो हम नाम लेते हैं भाई ये ऑथराइज कैपिटल है, ये पेड अप कैपिटल है. तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कि किस टाइप की कैपिटल होती है. तो आज मैं आपको यही बताऊंगी. पहले मैं आपको नाम बता रही हूँ, फिर इनकी डिटेल बताऊंगी. सबसे पहले होती है आपकी ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल, जिसे आप नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हो. तो पहली है आपकी, इसका जो सबसे पॉपुलर नेम है वो है ऑथराइज. तो तीन नाम से हम इसे बुलाते हैं, नॉमिनल, ऑथराइज एंड रजिस्टर. लेकिन जो सबसे पॉपुलरली इसका नाम लिया जाता है ऑथराइज कैपिटल. फिर आती है आपकी इशू कैपिटल. पहले ऑथराइज है, फिर इशू है, उसके बाद आपकी आती है सब्सक्राइब कैपिटल, फिर आती है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल, फिर आती है आपकी पेड अप कैपिटल. अब मैं जो है आपको इनकी डिटेल बताती हूँ. सबसे पहले क्या है आपकी ऑथराइज कैपिटल. देखिए, जब भी आप कंपनी बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमें कितने फाइनेंस की जरूरत होगी. ठीक है, फाइनेंस को देख के फिर आप एक अपनी जो है कैपिटल को जो है ये सेट करते हैं कि भाई हमारे को जो है 50 लाख की जो है फाइनेंस चाहिए. 50 लाख का हमारे पे कैपिटल होना चाहिए, तभी हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं लोन के अलावा. तो आपने 50 लाख की जो कैपिटल है जिससे कंपनी की शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि जब आप कंपनी की शुरुआत करते हो तो आपको एक मेमोरेंडम बनाना पड़ता है. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है कि आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी. तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि भाई हम जो है 50 लाख की कैपिटल से शुरू कर रहे हैं. तो जो मेमोरेंडम में सबसे पहले आप इनिशियल कैपिटल का मेंशन करते हैं कि कितनी कैपिटल से जो है हम कंपनी शुरू कर रहे हैं, उसी को बोलते हो आप ऑथराइज कैपिटल. क्लियर हो गया कि ऑथराइज कैपिटल कितनी हो गई, कि आपने जिससे बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो जो आपने मेमोरेंडम में बताया है. क्योंकि जितनी ऑथराइज, ये नहीं है कि आपकी मर्जी, आपका बिजनेस तो चलेगा 50 लाख से और आपने 5 करोड़ की ऑथराइज कर ली. क्योंकि आरओसी में आपको फीस जो है कैपिटल के हिसाब से भी देनी पड़ती है. 50 लाख के लिए इतनी फीस है, हर एक की अपनी कैटेगरी होती है. तो जितनी कैपिटल आपको चाहिए होती है जिससे आपको लगता है कि भाई ये हमारे को फ्यूचर में भी इतना काम देगी, तो उस कैपिटल से आप शुरुआत कर सकते हो. तो उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल. तो ऑथराइज कैपिटल बिल्कुल क्लियर हो गई आपको. अब इसका सेकंड है इशू कैपिटल. देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे शेयर डिफरेंट कंपनी के आते रहते हैं. तो आपके पापा कहते हैं भाई इस वाली कंपनी का नया शेयर निकल रहा है, हम इस कंपनी में इतना शेयर लगा देते हैं. ठीक है, आपने सुने होंगे इस तरह की कि नई कंपनी आने वाली है, ये रिलायंस की ये सब्सिडरी कंपनी आ रही है, इन्होंने शेयर निकाल दिए और हम जो है इनमें पैसा लगाएंगे. तो कंपनी क्या होती है कि वो जो शेयर कैपिटल होती है वो आप सबसे ही जो है सब्सक्राइब कराती है. तो जैसे उसके 50 लाख के उसने कैपिटल से शुरुआत करी, ऑथराइज कैपिटल से. अब उसे लगता है कि भाई 50 लाख की तो मुझे जरूरत 2-3 साल में पड़ेगी, अभी फिलहाल जो करंट का टाइम है उसमें मुझे 20 लाख की कैपिटल चाहिए. तो वो पब्लिक को 20 लाख के शेयर जो है इशू कर देती है. क्या कर देती है वो पब्लिक को? 20 लाख के इशू शेयर कर देती है. अब जब जो इशू कर रही है वो पब्लिक को सोचती है कि पब्लिक इतना मुझे पैसा 20 लाख के शेयर मुझसे ले ले. तो जो कंपनी ने इशू किया उसे आप बोलते हो इशू कैपिटल. तो आपकी ऑथराइज कैपिटल कितने की थी? 50 लाख की. अब आपने 50 लाख की तो कैपिटल आपने लिखने के लिए लिखी है, लेकिन जो आप एक्चुअली में सोच रहे हो कि पब्लिक ले ले हमसे, वो 20 लाख की सोची है. तो जो आपने प्रॉस्पेक्टस के थ्रू लोगों को दिया कि आप इतने की कैपिटल मेरे लिए सब्सक्राइब करिए, तो ये कहलाएगी आपकी इशू कैपिटल. अब आपने 20 लाख की कर ली. अब किसी रीजन से क्या होता है, जो बाहर के लोग थे उन्होंने सिर्फ 15 लाख ही आपकी कैपिटल से ली है, 5 लाख को लेने वाला कोई भी नहीं था. तो जितने जो आपकी पब्लिक है वो सब्सक्राइब कर रही है उसे बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल. क्लियर हो गया? जो मेमोरेंडम में लिखी 50 लाख वो थी ऑथराइज, जो आपने पब्लिक को इशू किए प्रॉस्पेक्टस के थ्रू शेयर वो थे आपके 20 लाख, जिसे हमने इशू कैपिटल बोला. अब पब्लिक ने सारा ना करके सिर्फ 15 लाख सब्सक्राइब किया और आप अलॉट भी सिर्फ 15 लाख को ही करोगे, तो वो बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल. तो ये तीनों क्लियर हो गए. ऑथराइजेशन, ऑथराइज कैपिटल किसे कहते हैं, इशू कैपिटल किसे कहते हैं और आपकी सब्सक्राइब कैपिटल किसे कहते हैं. फिर आती है अब आपकी जो शेयर है, फॉर एग्जाम्पल आपने इक्विटी शेयर लिए. अब किसी पर्सन ने जो था, ये जो शेयर होते हैं इनकी, जैसे 10 रुपये का एक शेयर है, तो इन शेयर की वैल्यू को हम डिफरेंट उसमें बांट देते हैं, एप्लीकेशन मनी,
कॉल, फिर अलॉटमेंट मनी आती है, फिर आपकी फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल भी हो सकती है। इस तरह से इसके डिवीजन कर दिए जाते हैं जिन्हें हम टाइम टू टाइम मांगते हैं। जैसे 10 रुपये का शेयर है, आपने इसके 3 डिवीजन कर दिए कि भाई 5 रुपये तो आपको एप्लीकेशन पे देने पड़ेंगे, 2 रुपये आपको अलॉटमेंट पे देने पड़ेंगे और बाकी के 3 रुपये आपको कॉल पे देने पड़ेंगे जब हम आपसे बाद में मांगेंगे। तो एक तरीके से इसकी 3 इंस्टॉलमेंट हो गई। तो जितना आपने कॉल्ड अप किया, अभी आपने एप्लीकेशन मनी तो जब आप शेयर में पैसा लगाते हो साथ के साथ देनी पड़ेगी, उसके एकदम से बाद आपने अलॉटमेंट मनी मांग ली, तो आपने कितना मांगा, 5 रुपये तो एप्लीकेशन पे और 2 रुपये किस पे मांगे, अलॉटमेंट पे, तो कितने हो गए, 7 रुपीज़ हो गए। तो अभी आपने सिर्फ एक शेयर पे 7 रुपये मांगे, अभी 3 रुपये छोड़ दिए, तो टोटल जितनी भी कैपिटल आपने करी थी तो उस पे आपने 7 रुपये मांग लिए, तो वो कहलाएगी कॉल्ड अप कि जितने आपने मांग लिए। कॉल्ड अप समझ में आ गया कि पूरे 10 रुपये का एक शेयर था, आपने उस पे सिर्फ 7 रुपये मांगे, तो 7 × जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे आपके वो आपकी कहलाएगी कॉल्ड अप कैपिटल। अब आती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में क्या है, आपने तो 7 रुपये मांग लिए, लेकिन कुछ शेयर होल्डर हो सकते हैं कि उन पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कि वो उन्होंने एप्लीकेशन मनी तो दे दी थी लेकिन अब वो अलॉटमेंट मनी के जो 2 रुपये हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। जितने भी शेयर होल्डर, कुछ ने दे दिए कुछ ने नहीं दिए, तो जितने पैसे आप पे आ गए पेड हो गए उसको बोलोगे पेड अप कैपिटल। क्लियर हो गया आपको? तो कॉल्ड अप तो होता है कि आपने कितने पैसे मांग लिए, अब उस पैसे में से भी कितने शेयर होल्डर्स ने पैसे दे दिए, वो टोटल शेयर होल्डर ने जितने दे दिए वो कहलाती है आपकी पेड अप कैपिटल। तो अब आपको ये कैपिटल के जो नॉमेनक्लेचर थे बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब कोई आपसे कहता है ऑथराइज कैपिटल, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये तो नॉमिनल है, ये तो सिर्फ मेमोरेंडम में लिखने के लिए होती है। फिर आपको इशू कैपिटल, वो कंपनी ने इतने के शेयर इशू किए। सब्सक्राइब कि कंपनी ने इतने सब्सक्राइब कर लिए, कंपनी ने जो ज़्यादा के इशू किए थे और उतने के लिए भी इस कंपनी जो आपके कंपनी ने इशू किए, ये जरूरी नहीं कि 20 के 15 ही करेंगे, हो सकता है पब्लिक पूरे के पूरे 20 ही कर ले, तो पूरे 20 के 20 ही सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो ऐसे केस में इशू और सब्सक्राइब दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे और वो जो है कम भी कर सकती है, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, 20 के बदले लोग जो है 25 भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जितना आपने इशू किया है उससे ज़्यादा आप दे नहीं सकते हो, उतना या उससे कम दे सकते हो। तो जितना भी आप पब्लिक ने सब्सक्राइब किया तो वो हो जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप में जितने पैसे आपने उन शेयर पे मांगे हैं और जितने पब्लिक ने पे कर दिए वो कहलाता है पेड अप कैपिटल। तो आई थिंक कि दिस टर्मोलॉजी आपको वैसे भी जनरल नॉलेज से भी आपको पता होनी चाहिए कि इन टर्मोलॉजी का क्या मीनिंग होता है, ये आपका सिलेबस का तो पार्ट होती है लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।